आजकल एक बहुत खतरनाक चीज चल रही है कि आपस में जो प्यार करने वाले हैं लड़का और लड़की, कुछ टाइम साथ रहते हैं, वो अपने घर वालों को नहीं बताता, वो अपने घर वालों को नहीं बताता, साथ रहते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे नजदीकता बढ़ने लगती है। खाना भी साथ, पीना भी साथ, रहना भी साथ, घूमना भी साथ, स्कूल कॉलेज में भी साथ, नौकरी के ऊपर भी साथ, इतनी नजदीकता आ जाती है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और ये नजदीकता जब दूरी बनती है, उनके हालात देखो क्या होते हैं, उनके बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, ना वो रुक पाते हैं ना वो झेल पाते हैं। आजकल जो चल रहा है, या तो लड़की लड़के से धोखा कर देती है, धोखा मतलब किसी और लड़के के संपर्क में चली जाती है, लड़का किसी और दूसरी लड़की के संपर्क में जाता है, जो ही वो एक दूसरे से दूर होकर के दूसरे के संपर्क में जाते हैं उसको धोखा बोलते हैं कि मेरे साथ इन्होंने धोखा कर दिया, मेरे साथ इन्होंने गलत कर दिया, मेरे साथ रहते हुए किसी और के साथ चले गए, कहीं और रिलेशन हो गया इनका। इस प्रकार का जो मैटर चल रहा है उससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो टूट करके बिखर जाती है, और इतना बिखर जाती है कि वो पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, तैयारी भी खत्म हो जाती है, जॉब की कोशिश भी खत्म हो जाती है, नशे की भी आदत लग जाती है, आपस में लड़ाइयाँ भी रहने लगती हैं, स्वभाव भी चेंज होने लगता है, और 24 घंटे रोना ही रोना रहता है, आपस में झगड़ा करना, रोना, वो उसकी कमियाँ निकालता है, वो उसकी कमियाँ निकालता है, और बात इस हद तक चली जाती है कि दोनों में से एक सुसाइड की ओर बढ़ने लगता है। बहुत से अभी थोड़े दिन पहले पीजीआई की बात है रोहतक की, वहीं भी यही हालात हुए थे, आप सब के आसपास भी यही होते होंगे, कॉलेजों में जो आपके साथ पढ़ते हैं ऐसे बच्चों के साथ ऐसे ही हालात होंगे, वो ना अपने को संभाल पाते हैं, ना मन को रोक पाते हैं, ना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रह पाता है, और जब वो टूटता है तो टूट करके बिखर जाता है, बात थाने तक पहुँच जाती है, पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है, पंचायतों तक पहुंच जाती है, घर की इज्जत खराब होती है दोनों की, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं, एक दूसरे की कमियां निकाली जाती हैं, लोग तमाशा देखते रहते हैं, जो लोग इंतज़ार करते थे ये रिश्ता कब टूटे, वो एक दूसरे की उन दोनों की ज़िंदगी में घुसते हैं और ख़राब कर देते हैं। ऐसे हालात में आप क्या सोचते हो, कैसे निकलना चाहिए, कैसे निकलोगे? बहुत प्रयास करते हो निकलने का, निकल नहीं पाते, क्योंकि इतना होता है, ये पता भी आपस में तो कोई बताता नहीं कि मैंने वहां गलत कर दिया, वहां सही कर दिया, कोई नहीं बताएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जब आप उसके एक एक मिनट की एक्टिविटी नोट करने लगते हैं, समझो आप उसमें और गहराई से घुस गए, जब उसकी कॉल के बिल्कुल डिटेल निकलवाने लगते हैं, समझो और ज़्यादा गहराई में घुस गए, जब आप उसके फ़ोन में और कोई सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, समझो आप बिल्कुल पागल हो चुके हो उसके पीछे, ना लड़का भाव देगा ना लड़की भाव देगी, आपसे दूर भागने लगेंगे, आप उनके पीछे, वो आगे आगे, मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन समाधान पूछने के लिए नहीं आते मेरे पास कि इसका कुछ समाधान हो, हमारा पीछा छूट जाए, हमें एक बार धोखा हो चुका है और हम इससे निकल जाएं, आगे ज़िंदगी में किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ध्यान देंगे पढ़ाई के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, आगे बढ़ने के ऊपर, या हम कामयाबी के ऊपर या किसी प्लान के ऊपर काम करेंगे, परिवार के ऊपर काम करेंगे, समाज के ऊपर काम करेंगे, नहीं, ये नहीं कि जी अब की बार अगर, या तो इसी को मिला दो, मुझे इसी को दिला दो। मैंने कहा
अरे ऐसे ही छोड़ करके जाएंगे, अगर आ भी जाएंगे फिर चले जाएंगे, क्या करोगे आप ऐसे लोगों का? नहीं जी, यही चाहिए, जान इसी में बसी हुई है। अरे आपके अंदर भी तो किसी परिवार वाले की जान बसी होगी, आपकी माँ की भी जान बसी होगी, परिवार की भी जान बसी होगी और रिश्तेदारों की भी जान बसी होगी। कि नहीं जी, अब नहीं, अब मैं और नहीं झेल सकता या सकती, कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा, मैं नहीं बचूँगा। मैंने बहुत समझाता हूँ, ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के समझ में भी आया, वो रास्ते के ऊपर आ भी गए। कुछ लोगों का अगला सवाल होता है जब मैं इसे मना कर देता हूँ तो, कि जी अब की बार जिससे भी मिला हो ना, बस वो अच्छा सा अच्छा ढूंढ के देना मुझे। मैं बोलता हूँ, अरे मेरे भाई, अब की बार की भी कोई कमी है? जब यहाँ तक पहुँच गए, अब फिर वही चाहिए क्या आपको? फिर उसी प्रकार का व्यवहार चाहिए क्या आपको? लेकिन वो मानने वाले नहीं होते, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है। आपको पता है वासना कितना बड़ा नशा है, उस चीज की आदत लग चुकी है और वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते। घंटों घंटों फोन के ऊपर लगे रहते हैं, किसी और को ढूंढते रहते हैं, इधर उधर से बातें इकट्ठी करते रहते हैं, पूरा दिन 10-10, 12-12 घंटे फोन के ऊपर लगे रहते हैं। फिर वही स्थिति उत्पन्न होती है, फिर कोई टच में आता है, फिर वही हालात उत्पन्न होते हैं, फिर वो छोड़ करके चले जाते। ऐसे धीरे धीरे सोचो आप, क्या जिंदगी बना दी आप लोगों ने, क्या क्या हालात बना दिए आप लोगों ने अपने, क्या इस शरीर को समझ रखा है, क्या मन को समझ रखा है, क्या आपने बुद्धि को, कैसा संकल्प करते हो आप, क्या सोचते हो, क्या यही कार्य बच गया, क्या क्या यही कार्य शेष है, कैसे निकलोगे आप इससे? इससे निकलने के लिए नशा कोई सहारा नहीं हो सकता। कुछ पल के लिए बस इतना है कि आप नींद और नशे की दवाइयां लेने लगो, शराब का नशा करने लगो और किसी प्रकार का नशा करने लगो, तो कुछ पल के लिए आपको ये रोक देगा कि कुछ पल के लिए रोक दिया कि 10 मिनट सो गए, 1 घंटा सो गए, 4 घंटे नशे में पड़े रहे, लेकिन जो ही होश आएगा वही चीज़ फिर वही अटैक करेगी, वही क्लिक करेगी और फिर वही चीज़, फिर वही शब्द देखते रहोगे, फोन में फोटो देखते रहोगे, वीडियो उनकी, और उन्हीं के अंदर फंसे रहोगे। ऐसे होता था, वैसे होता था, ये इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था। नहीं निकल पाओगे मेरे भाई, और ज़्यादा फंस जाओगे, और ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हो तो इनको एक तरफ फेंक दो, साइड, सब कुछ, ना बात करना, ना देखना उनको, ना सोचना उनके बारे में, ना विचार करना। अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं जीवन में उनके साथ जुड़ी हुई, उनको एक साइड कर दो सबको। जब वो सारी चीज़ें एक साइड हो जाएंगी तो समझना थोड़ा आपको होश आना शुरू हो गया है कि कुछ करना चाहिए। तो जब होश आना शुरू हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, अगला कदम, अगला कदम अपना जो रूटीन है उसको चेंज करिए। आप सोने का, खाने का, रहने का, नहाने का, मिलने का, बात करने का, अपने सर्कल का, परिवार को टाइम देने लगिए। जब परिवार को भी टाइम देने लगो तो फिर अगला कदम फिर शुरू होता है। फिर क्या कदम शुरू होगा? फिर थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दीजिए आप, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा खेलिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रेस कीजिए, सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। ये हो गया। फिर इसके बाद अगर आप बिल्कुल ही निकलना चाहते हो तो फिर आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, ध्यान की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ध्यान उससे भी बड़ा नशा है जो उस नशे को उतार सकता है। तो ध्यान कीजिए, जितना आप उसकी ओर बढ़ेंगे, अगर आपने ये 4 काम कर दिए ना, भूल जाइए आप कि आपको उन चीज़ों की याद आएगी, आपको सुसाइड करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना, कैसे निकलना, भूल जाइए सब कुछ, साइड हो जाएगा एकदम से, और आपका कदम वहाँ जा पहुँचेगा कामयाबी की ओर, जब अपने जीवन को लक्ष्य बना करके देखोगे। ऐसे ऐसे लोग जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब आप उसी पॉइंट के ऊपर अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, कैसे
ऐसा मत करो। अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जब आप अनुभव करोगे, जब आप सोचोगे, जब आप देखोगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और जब सामने आ जाएगा, जब आपका दिमाग अच्छी तरह से स्वस्थ और काम करने लगेगा, आपको ये समझ आने लगेगा, अरे मैं कहाँ फंस गया था, किसके चक्कर में जीवन को खो रहा था, जो हमारा है ही नहीं, जिसको जाना ही है एक दिन, तो फिर किसके लिए मैंने इतना रोया, ये तो व्यर्थ की बात हो। जैसे छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, रोता रहता, मुझे यही चाहिए मम्मी, यही चाहिए, लेके ही जाऊंगा घर, नहीं जाऊंगा घर, ऐसे जब वो इस प्रकार से करेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी मम्मी बोलेगी बेटा ये खिलौना लेना है क्या, वो कहेगा कौन सा खिलौना, मैं नहीं लूंगा, मैं तो असली वाली गाड़ी लूंगा, उसके लिए नहीं रोएगा, कितना भी कोशिश करो नहीं रोएगा, ये कहेगा नहीं पागल था मैं, तब मुझे पता नहीं था, बच्चा था, रो लिया हूँ, अब नहीं। तो उसी प्रकार से आपके समझ आ जाएगा कि तब तो मेरा बचपना था, मेरी नादानी थी जिसमें ये सब कुछ हो गया, और हंसोगे अपने ऊपर देख देख करके, अरे मैं किसके लिए कितना रोया, किसके लिए जीवन खो दिया मैंने, कितना टाइम मैंने उसके ऊपर लगा दिया। सोचोगे आप कि कहाँ फंस गया, ये संसार धोखों से भरा हुआ है, और जो आप सोच रहे हो धोखा हुआ, ये हुआ वो, ये सब आपके जीवन में मजबूत करने के लिए चीज़ें आती हैं, आपका आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए, आपके मन को बलवान करने के लिए, आपके बुद्धि को मजबूत करने के लिए आती हैं। आप इसमें टूटो मत, मजबूती के साथ लड़ना सीखो, मन के साथ लड़ना सीखो, खुद के साथ लड़ना सीखो, और पॉजिटिव वातावरण जितना भी सोच सकते हो उस पॉजिटिव की तरफ बढ़ो, नेगेटिव चीज़ों से दूर होते चले जाओ, और अपने जीवन से इस प्रकार की चीज़ों को उखाड़ करके, जैसे जड़ से वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देते हैं, वैसे ही ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंक दो, फिर कभी आपको मिलने के लिए बोले ना कि मुझे मिलना है आपसे, मना कर दो, नहीं हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमें नहीं मिलना। सोचो आप कैसा लगेगा आपको, तब आप अच्छे लगोगे, जब एक कामयाबी की एक स्टेज पर खड़े होगे तब आप अच्छे लगोगे। तो आप अपनी कामयाबी को छोड़ करके ऐसे भागोगे वासनाओं के पीछे, तो भोगेगा कौन, आप ही भोगोगे, और कौन भोगेगा। तो आप अपना दिमाग, विचार, मन, हृदय, इन सब के ऊपर अंतःकरण चतुष्टय के ऊपर पकड़ करके बाहर लगाने के लिए जोश, जान, जज्बा और आपका आत्मसम्मान जो आप खो चुके हो, जो आप इतनी गालियां खा चुके हो, अब तो सुधर जाओ। इतनी गालियां खाने के बाद भी कौन नहीं सुधरता, सुधर जाना ही चाहिए। क्या उम्मीद करते हो आप उनसे, जो उम्मीद के लायक ही नहीं, जिन्होंने आपका भरोसा ही तोड़ दिया, एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, क्या बचा है आपके पास, कुछ भी नहीं बचा। तो आप इन्हीं के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, और इन चीज़ों से बाहर निकल करके, उठ करके, फ्री माइंड हो करके, और थोड़ा सा परमात्मा का विस्मरण कीजिए, वो भी आपके काम ही आएगा।